अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो चल रहा है 77 लंच मेन्यू सीरीज़। तो आज है 6th डे। तो आज मैं आपसे शेयर करूँ एक क्विक लंच मेन्यू, सिंपल सा थाली है। तो इसमें है मुंबई का फेमस तवा पुलाव है और मटर पनीर है, इसके साथ केरला परोठा है। और ये सिंपल सी थाली एकदम 45 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं केरला परोठा। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1/4 कप मैंने सूजी लिया है। इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच शुगर का इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी मैं। तो ये तैयार हो चुका है। ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसे अच्छे से मसल लूँगी। करीब 5 से 6 मिनट तक इसे हमें मसलना होगा कुछ इस तरह से, ताकि ये एकदम अच्छे से नरम हो जाए। और इसे रेस्ट करने रख लूँगी करीब 1/2 घंटे के लिए। तो फाइनली लास्ट में हम इसे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले आटा गूंद लें और इसे रेस्ट करने छोड़ दें। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो बनाते हैं मुंबई का फेमस तवा पुलाव। सो ये तवे में बनता है, सो मैं यहाँ आपको कढ़ाई में बना रही हूँ। सो ये थोड़ा सा ऑयल ले लें 1 बड़ा चम्मच, और मैंने यहाँ पे आलू को फ्राई कर लिया है कुछ इस तरह से। तो पोटैटो है ये सिंपल सा, और इसे मुझे गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना होगा। करीब 10 मिनट में ये फ्राई हो जाता है और इसे मैं निकाल लूँगी, तो देख सकते हो आप। और इसी ऑयल में मैं थोड़े से पनीर को भी फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लूँगी और इसे भी निकाल लूँगी। तो सबसे पहले पोटैटो फ्राई करें, उसके बाद पनीर को फ्राई कर लें। और इसी ऑयल में मैं 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च, और इसे गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लें। और इसमें जाएगा 1/4 कप, यहाँ पे मैंने गाजर लिया है, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसे भी फ्राई कर लें। अभी इसमें जाएगा अदरक लहसुन का मसाला यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, और इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। जो जब तक फ्राई करें इसका रोस्टमेंट जो है वो चला ना जाए। और इसमें जाएगा 1 कप मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, और इसे भी मिक्स करके इससे भून लें, और इसे अच्छे से भून लें तब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो अभी हम जाएंगे इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे नमक लिया है, और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी लिया है, और ये है गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, और इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स है पाव भाजी मसाला, ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। सो यही है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। और इसे मिला लें, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसे मसाले जब तक भुन जाए तब तक हम इसे क्विक कर लें, इसे फ्राई कर लें। अभी इसमें जाएगा 1/4 कप मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है, और इसे ऐड करने के बाद मैं ऐड कर लूँगी हमारा फ्राई किया हुआ पोटैटो, और इसे मिक्स कर लें। और इसमें जाएगा 1 कप मैंने यहाँ पे राइस लिया है, सो इसे मिक्स कर लें। और ऊपर से मैं इसमें 1 चम्मच यानी 1 नींबू का रस लूँगी, और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर लूँगी, और फाइनली इसमें मैं ऐड कर लूँगी हमारा जो फ्राई किया हुआ पनीर है उसे, और इसे दम करके तो सर्व कर लूँगी। तो तैयार है हमारे आज का पुलाव। तो चलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो बनाते हैं मटर पनीर। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑयल गरम कर लिया है 1 बड़ा चम्मच, इसमें मैं ऐड कर लिया है ऑनियन 1 और टमाटर। इन दोनों को मुझे थोड़ा सा नरम होने तक इसे कुक करना होगा करीब 5 से 6 मिनट तक, तो ये सॉफ्ट होने तक इसे कुक कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस स्टेज में मैं इसे निकाल के ठंडा करके इसका मैं पेस्ट तैयार करूँगी। तो सेम कढ़ाई में मैं लूँगी 1 बड़ा चम्मच ऑयल, इसमें जाएगा तेज पत्ता, क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा, और 1 लौंग है, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा है। और इसे फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा
हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो इसे भून लें और थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसन लूँगी एक चम्मच यानी, और इसे एक क्विक मिक्स करें। इसके बाद मैं हमारा जो पेस्ट किया था तैयार किया था ऑनियन और टमाटर का पेस्ट इसे मिक्स कर लें। इसमें जाएगा एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे मिक्स करके इसका रस मिल जाने तक इसे कुक कर लें। और इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर लूँगी। एक चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा, आधी छोटी चम्मच क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड करके इसे मिक्स कर लूँगी। तो अभी हमारा मसाला मिक्स हो चुका है, इसे मुझे कुक करना होगा। जब तक कुक करें इसका जो हमारा जो पेस्ट है वो पैन से छूटने ना लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो खुद हमारा जो मसाला है वो पैन से अलग हो रहा है। इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी और इसे कुक कर लूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे कुक कर लें। तो तैयार है, हमारे यहाँ क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है हमारा मसाला। और इसमें जाएगा एक कप फ्रोज़न मटर और एक कप पनीर लूँगी और इसे एक क्विक मिक्स कर लूँगी। तो इसे तेज पत्ते को मैं हटा दूँगी ताकि मिले नहीं। तो हमारा जो मटर पनीर है वो एकदम से तैयार हो चुका है और इसे ढक के करीब 5 से 6 मिनट तक इसे कुक कर लूँगी। तो फाइनली मैं इसमें ऐड कर लूँगी थोड़ा सा धनिया पत्ता और ऊपर से क्रश किया हुआ मेथी लीव्स और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लूँगी और एक क्विक मिक्स कर लूँगी। और फाइनली इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। सो इसे डालने के बाद मिक्स कर लें और इसे सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है आज का हमारा मटर पनीर। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो मैंने थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लूँगी हमारे परोठे के लिए। तो अभी हमारा फाइनली टच है परोठा, सो इसे एक क्विक मिक्स करें और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इसे अभी हमें रोल करना होगा। थोड़े से सूखा आटा डस्ट करके मैं इसे रोल कर लूँगी अच्छे से। एकदम पतला सा हमें बेलना होगा, जितना पतला हो सके उतना आप इसे बेल लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बेल लिया है। तो अभी ये बेलने के बाद इसके ऊपर मैं हमारा मेल्ट किया हुआ बटर इसे ऐड कर लूँगी। इसे ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फैलाना होगा, अपने हाथों से अच्छे से फैला लें और इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट कर लें। और एक चाकू की मदद से या फिर आप मैं पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ कुछ इस तरह से। आप चाकू से इसे नाइफ से इसे कट कर सकते हो, जितना बारीक हो सके उतना कट कर लें कुछ इस तरह से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो और इसे मुझे कुछ इस तरह से इसे फोल्ड करना होगा। सो ध्यान से, और इसे अब हम रोल कर लेंगे। तो हमें बहुत टाइट रोल नहीं करना है। तो तैयार है हमारा इसका पराठा। अभी मैं इसे उंगलियों की मदद से इसे फैला लूँगी कुछ इस तरह से। हमें बेलन की सहायता नहीं लेना है, उंगलियों से इसे चौड़ा करना है और इसे जितना हो सके उतना मोटा ही रखें। और ये तैयार हो चुका है सिकने के लिए। तो चलिए इसे हम कुक कर लेंगे तवे पर और दोनों साइड से कुक कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी बटर, और चाहे तो आप घी, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ऑयल ही इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों साइड से अच्छे से बटर लगाना होगा, इसे अच्छे से बटर इसमें जाएगा, जितना हो सके उतना बटर इसमें जा अच्छा लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे लेयर्स आए हुए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको गाइस बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर आएगी। हमारा केला परोठा तैयार हो चुका है। तो इसे एक क्रश कर लूँगी। तो तैयार है आज की हमारी क्विक लंच मेन्यू।
तो तैयार है आज का हमारा सिंपल सा लंच। तो इसमें रहा पुलाव और मटर पनीर है, केला परोठा है, और ये रहा जामुन और सिंपल सा रायता है, और ये रहा ठंडा ठंडा जूस। और किस तरह से लगा आज की ये वीडियो तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक की इजाज़त देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।